अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिड नॉलेज में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ओनविन 4MD टेबलेट के बारे में। इसका फुल रिव्यू मैं करने वाला हूँ, बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। जिसका ओनविन 4MD टेबलेट जिसका कंटेंट है ओंडेस्ट्रान 4MG, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इसे कैडला फार्मा द्वारा मैनुफैक्चरिंग किया जाता है। कैडला फार्मा इसका मैनुफैक्चरिंग करती है, जो कि बहुत बेहतर कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है। 10 टेबलेट का किस्टिप आता है, इजिली आपको किसी भी मार्केट में मिल जाएगा। इसका MRP है 51.45 रुपये, यानी 51.45 रुपये में इजिली आपको ये मिल जाएगा। किसी भी मेडिकल पे आप इसे ले सकते हो। तो ये देख रहा है ओनविन 4MD टेबलेट है, जो कि काम आता है मतली या उल्टी में। इसका जो बेनिफिट है, इसका जो उपयोग किया जाता है मतली या उल्टी में, या फिर एसिडिटी बन जाती है उसमें भी उल्टी होता है, या पेट में कोई दिक्कत होती है उल्टी होता है, या पे जैसे सफ़र कर रहे हो सफ़र में भी उल्टी होता है उसमें भी उपयोग किया जाता है। बहुत बेहतर काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है। ये तुरंत काम करता है, तुरंत रिजल्ट दिखाई देता है, 1 से 2 मिनट में तुरंत ये काम करता है। और जो महिला प्रेग्नेंट है उन्हें भी ये दिया जाता है, उल्टी होती है तो उसमें भी उपयोगी है। यानी ये मतली और उल्टी में बहुत बेहतरीन काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है। तो फ्रेंड्स, हम जान लेते हैं इसके डोज के बारे में। आप इसे दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं, या फिर अपनी ज़रूरत के हिसाब से, लेकिन डॉक्टर से परामर्श बगैर ना लें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा खा लेते हो तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए अपने डॉक्टर से परामर्श करें, उसके बाद इसका सेवन करें। तो फ्रेंड्स, हम जान लेते हैं कि सावधानी क्या है। इसके सावधानी के बारे में हम जान लेते हैं। इसका सावधानी जो है, बच्चों की पहुँच से बिल्कुल दूर रखें। जो मेडिसिन है बच्चों की पहुँच से दूर रखना चाहिए। और जो महिला प्रेग्नेंट है या फिर जो माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, उसका सेवन करने से पहले डॉक्टर से परामर्श जरूर से ले लें। लीवर या किडनी संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो इसका सेवन करने से पहले डॉक्टर से परामर्श करें, उसके बाद इसका सेवन करें। तो ये थे कुछ सावधानी जो कि मैंने आपको बता दिया। तो हम जान लेते हैं इसके कॉमन साइड इफेक्ट के बारे में। कॉमन साइड इफेक्ट क्या है हम जान लेते हैं। इसका कॉमन साइड इफेक्ट है कब्ज़, दस्त, थकान, सिर दर्द, ये इसका कॉमन साइड इफेक्ट है। अगर आपको ऐसा कुछ साइड इफेक्ट देखने के लिए मिलता है तो तुरंत ही अपने डॉक्टर से परामर्श करें। तो फ्रेंड्स, यह था हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें। और किसी मेडिसिन के बारे में जानना है, किसी दवा के बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ पर आके हमसे बता सकते हैं। किसी मेडिसिन के बारे में जानना है तो जान सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।